क्या हाल है भाइयों। तो मसूरी में होटल से चेकआउट करने के बाद अब हम निकले हैं धनोल्टी के लिए। मसूरी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है धनोल्टी। फिलहाल जो है हम बीच में आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बाइक रोक ली थी अपनी बुलेट। यहाँ पे ये टी स्टॉल है, तो यहाँ पे हमने मैगी खाई और चाय पी। उसके बाद यहाँ से जो आप व्यू देख रहे हो काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ पे आधा रास्ता धनोल्टी में जाके इको पार्क और सुरकंडा देवी टेम्पल चलेंगे। हाँ, तो ये दो जगह एक्सप्लोर करनी है हमें धनोल्टी में, एक तो इको पार्क और दूसरा सुरकंडा देवी टेम्पल। तो व्यू जो है वो नज़ारे अलग ही है धनोल्टी के एज़ कम्पेयर टू मसूरी, है ना। जो नज़ारा मसूरी में मिलेगा ये जा रहे हिसाब से चार आदमी है रेल बना रखी बिल्कुल ही। तो भाई ये जो व्यू देख रहे हो आप, ये धनोल्टी का कहीं नहीं मिलेगा, धनोल्टी के रास्ते में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। धनोल्टी के रास्ते के बीच का व्यू है ये, आगे धनोल्टी और सुंदर है। तो अगर मसूरी आए तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे धनोल्टी जरूर होकर जाओ। यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है, देखो व्यू है ना। अभी इनका दो और रह गए, इनका ग्रुप है भाई साहब, जहाज बना रखा बिल्कुल ही है। ये तो निंजा ले रहा ना। चलो भाइयों अभी रह गया क्या ग्रुप भाई साहब, ये कौन है पीछे। ये चल रहे भाई थे ग्रुप में, ऐसे चलो जाना था घूमने। खीरे भी हैं, खीरे कटवाए हमने भाई से। लाओ भाई, धनोल्टी कितना होगा अभी अपना? धनोल्टी ऐसे यहाँ से 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के आसपास। और हमारे खीरे कहाँ हैं? ये रखे हैं, ये रहे हमारे खीरे। लाओ हमारे खीरे दे दो, हम खीरे खाएंगे। विवेक ज़्यादा टायर्ड था, उसने कहा थोड़ा प्रोटीन डाइट ली जाए। और ये बाइक भी थक चुकी है और हम भी थक चुके हैं, पर मज़ा आ रहा है पूरा भाई। लेकिन व्यू देखो, व्यू एक नंबर भाई साहब। व्यू आपको मसूरी में कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। देखिए आप, ये लद्दाख वाली फील दे रहा थोड़ी थोड़ी। ये व्यू आपको मसूरी में कहीं नहीं मिलने का, जमीन आसमान का फर्क है मसूरी और धनोल्टी में। धनोल्टी इको पार्क, वेलकम टू धनोल्टी नेशनल अर्बन मिशन। ये है भाई, चलो बाइक लगा देते हैं। कहाँ लगाए? बंद पड़ा।
ये भाई बंद कर रखा, ताला लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी भैया बंद है अभी, है तो कब खुलेगा ये? 15 तारीख 15। तो किस वजह से? कोरोना की वजह से कैसे बंद है? अच्छा इसी 15 को खुलेगा जी। चलो सर, तो ये है भाई धनोल्टी का इको पार्क, फिलहाल जो है बंद है, 15 तारीख को खुलेगा। अभी सिर्फ बाहर से दिखा सकते हैं हम इसे। ये देखो ये इसका इको पार्क का बोर्ड लगा हुआ है, जंगली जंगल है इसमें, पार्क टाइप है सिंपल। और सामने जो है टी स्टॉल से काफ़ी। तो ये आगे जो सुरकंडा देवी टेंपल है वो खुला हुआ है। अच्छा उसके आगे से रास्ता निकल जाता है वहाँ ऋषिकेश, टिहरी, अच्छा टिहरी डैम जो है वो, टिहरी डैम तो चंबा से ऊपर जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर। अच्छा डैम देखने के लिए अलग से है, उससे अलग रास्ता कटकर ऋषिकेश जा रहा है। तो वहाँ पे डैम में मतलब क्या है देखने लायक? बढ़िया झील है वहाँ पे, झील है, बोटिंग वोटिंग वगैरह होती है, सब चीज़ें वहाँ पे। ठीक ठीक, तो ये वाला रास्ता शॉर्ट पड़ेगा वापस जाना देहरादून को मसूरी से, या फिर वो वाला? ये तो लंबा है अगर आप चंबा जाएंगे तो वो रास्ता सही है। हमें जाना है ऋषिकेश हरिद्वार फिर मेरठ, वो ठीक है ना जी? चलो जी वो वहीं से लेंगे फिर। ठीक, चलो भाइयों ये थी धनोल्टी की वीडियो, और फिलहाल जो है इको पार्क बंद पड़ा है, अंदर जाना तो भाई मना है, थोड़ा सा ऊपर चल के दिखा रहे हैं आपको। ये है इको पार्क का बोर्ड, और यहाँ पे लगा हुआ है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द नेचर, नेशनल रूर्बन मिशन। ओके, तो इको पार्क में एक सिंपल पार्क की तरह है, यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं अंदर, और ऊपर जाके आप अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाकी वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि यहाँ पहले भी आ चुका हूँ धनोल्टी इको पार्क में, लेकिन अगर आप जाओगे सुकून से अपने, अगर फैमिली के साथ छोटे बच्चे हैं तो खेलने के लिए सही है, पिकनिक एक पिकनिक स्पॉट टाइप है ना। तो चलो भाई ये धनोल्टी की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बंद पड़ा था। तो आगे हम निकल रहे हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, वो खुला हुआ है बताया अभी, तो वहाँ पर चल के मिलते हैं। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। आगे सफर अभी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। Like you, be strong to hold the powers of the sun.